अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक हो गए और मज़े में हो गए। इधर मैं अपनी भतीजी की बर्थडे की कर रही थी तैयारी और मुझे बिल्कुल डिसाइड नहीं हो रहा था मुझे कि मैं कौन से वाला ड्रेस पहनूं। तो मैं सब देख रही थी, मैंने कहा आयरन बाद में कर लूँगी, पहले देख लूँ कि मैं कौन से वाला ड्रेस मुझ पर ज़्यादा सूट करेगा। इसमें एक था वेलवेट का सूट जो मैंने अभी डिज़ाइनिंग करवाया था, और दूसरा एक ब्लू कलर की फ्रॉक थी लॉन्ग, और धोती से एक काफ्तान था। तो मुझसे बिल्कुल डिसाइड नहीं हो रहा था मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। वैसे आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि कौन से वाला ड्रेस ज़्यादा बेस्ट रहता। वैसे तब तक वैसे मेरा दिल कर रहा था मैं तीनों ड्रेस की वीडियो बना के सेंड कर दूँ और पूछूँ अपने व्यूवर्स को कि बताओ कौन से वाला ड्रेस ज़्यादा मुझ पर प्यारा लगेगा। बट फिर मैंने बिजी हो गई थी, उसके बाद मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिला। तो इधर डेकोरेट वगैरह हो रहे थे, बलून वगैरह लगाए जा रहे थे, खाने वगैरह का मैंने थोड़े बहुत क्लिप लिए जितने मुझसे कैप्चर हो सके। बाकी मैंने आप लोगों के लिए जितना मुझसे हो सका उतना मैंने वीडियो बनाया। फिर मैंने ये वाला ड्रेस ऐसे ही कैजुअल पहन लिया था, तो हस्बैंड ने कहा था ये ड्रेस बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, और मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा था, मैंने कहा पहन लेती, इसके दुपट्टे की वजह से ये ड्रेस मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था। खैर हस्बैंड ने कहा था ये वाला ड्रेस मतलब अच्छा नहीं लग रहा, आप चेंज कर लो। तो फिर बाद में मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था, और मैंने फिर वेलवेट की ग्रीन कमीज पहन ली थी, जो शर्ट बनवाई थी मैंने, और उसके साथ मैंने गोल्डन कलर की, मेरे पास एक कैप भी थी वो मैंने पहन ली थी। पहले मैंने मतलब फुल मेहरून कलर वो ग्रीन कलर का वेलवेट का सूट पहना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने कैपरी चेंज की तो उसके साथ अच्छा लग रहा था। और ये फाइनली डेकोरेट हो चुका था सारा हॉल, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों ने मेरे इस व्लॉग को एंजॉय किया या नहीं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के मुताबिक लेके आऊँ, मतलब आप लोगों को मेरी कौन सी ज़्यादा मतलब व्लॉग व्लॉग में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में, और फिर मैं आप लोगों के लिए वैसी ही वीडियो लेके आऊँगी। और इधर खाने के भी मैंने थोड़े बहुत क्लिप कैप्चर किए थे जितना मुझसे हो सका, और बाद में मैंने फिर ये वाला ड्रेस पहना था। इंशाल्लाह जल्दी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो आ रही है, तो उसमें मैं आप लोग को डिटेलिंग से दिखाऊंगी कि मैंने मतलब इस पर कैसे डिज़ाइनिंग करवाई है। तो इधर बर्थडे बर्थडे गर्ल का बर्थडे केक भी आ गया था, तो वो हम अब कट कर रहे हैं। मैं अभी इधर नहीं थी, मैंने अपनी बड़ी वाली भतीजी को सेल पकड़ा दिया था कि तुमने मतलब वीडियो बनानी है, तो आप लोग इंजॉय करो वीडियो। और मैंने ये वाला ड्रेस पहना था काफ्तान मेहरून कलर का बाद में, और इधर अब कट रहा है केक, तो मैंने भी थोड़े से क्लिप वगैरह बनाए थे। तो फैमिली की हर किसी की प्राइवेसी होती है, तो किसी को मैं ज़्यादा व्लॉग बनाना मैंने पसंद नहीं किया वीडियो, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, और वैसे भी मैं खुद सामने नहीं आती, तो मैं किसी को क्यों सामने ले के आऊँ। तो इसलिए मैं सिर्फ ऐसे ही व्लॉग बनाया। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगेगी, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लेकर आऊँ। माशाल्लाह से मतलब मेरी आपी ने अपनी सारी मतलब अम्मी
और भाभियों को मतलब सबको बुलाया था अपनी तरफ से, तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था और बेबी बहुत ज़्यादा रोने लग गया था क्योंकि वो शोर की वजह से उसे बहुत अजीब सी उलझन होती है और वो डर गया था, फुली तौर पर डर गया था। फिर मैं उसे लेकर आ गई घर और फिर मैंने उसे सुलाया। वो तो बिल्कुल भी अंदर में कमरे में पाँव भी रख रही थी ना, तो वो तब भी रोई जा रहा था। उसने बिल्कुल भी मतलब मुझे चिल करने नहीं दिया। और मैंने वीडियो, ये वीडियो भी मैंने नहीं बनाई और मैंने बनवाई है ये वीडियो, तो बस बच्चे छोटे जब हों तो यही सूरत हाल। दूसरा ये कि बर्थडे गर्ल का ड्रेस ये नहीं था, उसका वाइट कलर का ड्रेस था, तो बलून गलती से रेड और ब्लैक आ गए, तो इसलिए उसे फिर ये ब्लैक ड्रेस पहनना पड़ा, वरना इसकी एक वाइट फ्रॉक थी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो हमने फिर यही रहने दी उसके लिए।